एक तो हिंदुस्तान में जब पत्नियां और प्रेमिका हैं, उनको जब लाड आता है तो हिलने लगती हैं। अपन फ्लेट हो गए भाई साहब। अरे बाल्टियां लेके लोग घूमते होंगे, हम तो समंदर वाले हैं। ऐसी मोहब्बत होगी जो आपके भीतर है तो उसे कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ऐसी गागर जिसमें से पानी नहीं निकलता है, उसमें से निकलते हैं हंसी, मोहब्बत, मुस्कुराहट की कुछ ऐसी खुशबुएं जो सिर्फ आपके दिलों तक ही नहीं पहुंचती, सारी दुनिया में फैल जाती है। और सारी दुनिया में जब फैल जाती है तो ये फूल, ये पात, ये पत्ता पत्ता, ये बूटा बूटा, ये पेड़, नदियां, ये झरने, सब मिलकर कहते हैं वाह भाई वाह। जिंदगी इम्तिहान लेती है ऐसा कहा गया है, और जिंदगी के इम्तिहान में आदमी पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो रास्ता निकाल ही लेते हैं। जैसे एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, टिका रखी थी और उस टिकाने में गलत काम, ऐसा कभी सीखिए मत, पर पता नहीं चलता नशे में बीवी को एक दी रे। गिरफ्तार कर लिया, अब जज के सामने क्या किया तुमने, गलती हो गई, नशे में ध्यान नहीं रहा, ठीक है आगे से करो, कभी जिंदगी में नहीं करे, माफ चूक के माफी मांग, कभी नहीं करे, इतना हमारे देवी है, कैसा कर लिया हमने, हमें सब भोजन कराती है तब करो, नहीं गलती हो गई, दो मत, ₹1,000 जुर्माना, छोड़ दो साहब, एक और दे दें क्या, गलती नहीं, 2,000 है, छुट्टे नहीं है। पत्नियों से कोई जीत नहीं सकता है ना, एक पत्नी ने अपने पति से कहा चलो आज एक गेम खेलते हैं। एक तो हिंदुस्तान में जब पत्नियां और प्रेमिका हैं, उनको जब लाड आता है तो हिलने लगती हैं। पता नहीं क्यों करती हैं सर, है ना, चलो ना गेम खेलते हैं। अरे क्या कर रही है यार, गेम खेलते हैं, बोलो गेम खेलते हैं, अरे हाँ भाई खेलना, क्या गेम खेलना है, बोले बहुत इजी है, मैं एक कलर का या एक फ्रूट का नाम लूंगी, हाँ कलर का नाम लूं तो तुम्हें लेफ्ट वाली दीवार पे हाथ लगाना, ठीक है, और फ्रूट का नाम लूं तो राइट वाली दीवार पे हाथ लगाना। पति बेचारा बोला ये तो जीत गए अपन, अभी मतलब कलर पे लेफ्ट, हाँ जैसे ब्लैक बोला तो लेफ्ट, और फ्रूट जैसे मैंगो बोला तो राइट, है ना, ये तो जीत गया मैं, बताओ शर्त क्या है, शर्त क्या बताओ, बोले शर्त जो हार गया वो सारी जिंदगी उसे मेरी बात, मतलब जो भी जीता उसकी बात माननी पड़ेगी, अगर तुम हार गए तो मेरी बात मानोगे, मैं हार गया तुम्हारी बात मानोगे, बोले सारी जिंदगी, सारी जिंदगी, पक्का, बोले पक्का, बोलो कलर या फ्रूट क्या, बोली ऑरेंज। पति आज तक बेहोश है, उसे समझ में नहीं आया कि नारंगी रंग है या नारंगी फल है, लेकिन जिंदगी में नारंगी हो न हो जिंदगी बड़ी सतरंगी होनी चाहिए, और हमारे साथ तीन लोग हैं जो जिंदगी को बड़ा सतरंगी बनाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं, कुछ इस तरह से बयां करते हैं कि सीधे दिल में उतर जाते हैं। हमारे साथ हमारे तीन युवा लोग बैठे हैं, जो इतने युवा तो नहीं है, कह रहा हाथ जोड़ के बोले ना सर युवा, तुम तो काफी युवा हो। ये है देवेंद्र वैष्णव जो अंता राजस्थान से हमारे बीच में आए हैं, आलू खाते हो, बहुत खाते हो क्या, तभी वैसे हो गए हो। ये देवेंद्र वैष्णव है, उधर जो कोने में बैठे हैं वो सौरभ चातक हैं जो उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आते हैं, और चूंकि आप जानते हैं कि हर बार एक नई प्रतिभा आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो एक नई प्रतिभा आपके बीच में जो पहली बार एस वाह भाई वाह के कार्यक्रम में मंच पे और जब आएंगी, यूं कविताएं लिखती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन इस स्तर पे आज देश में छाने के लिए पहली बार वो हमारे बीच में है, वो है चारुशीला सिंह जो गोरखपुर से हमारे बीच में आई।
हमारे देश में भोजन की कमी है ऐसा कहा जाता है। सौरभ को देख लो। और भोजन की कमी क्यों है? देवेंद्र को देख लो। भोजन की कमी हो सकती है लेकिन ठाकुर की कमी नहीं है। देवेंद्र वैष्णव जोरदार तालियों के साथ आइए। शैलेश भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम कर रहा है, धमकी दे रहा है। शैलेश भाई साहब प्रणाम करता हूँ। अरे यार आराम, प्रणाम में थोड़ा सा विनम्रता हो। सामने बैठी जनता जनार्दन को भी अपन का प्रणाम। मैं बताऊं आपको कि किस्मत ही खराब है। हाँ लग भी रही है। शैलेश भाई साहब मेरी किस्मत इतनी खराब है, एक पापा की परी ने बहुत पहले मेरी कार को स्कूटी से ठोका। अच्छा। एक पापा की परी ने मेरी कार को स्कूटी से ठोका। मैंने पुलिस बुला ली। पुलिस बुला करके मैंने लड़की से 10,000 रुपए लिए सेटलमेंट के। अच्छा। उसके बाद में समस्या ये होगी, 4 दिन बाद वो छोरी अपने परिवार वालों को लेकर के मेरे घर पे आ गई। अच्छा। मेरा रिश्ता लेकर। हाँ। आज मेरी लुगाई बन के महीने के 10,000 उड़ा रही है। तुम्हारी कसम भाई साहब, मेरे तो ऐसे खानदान की लुगाई आ गई घर में, मेरा तो 24 घंटे दिमाग खराब रहता है। आ? आ? मेरा तो ससुर एक नंबर ही सटोरिया है, पत्ते भी न देखता है, खेलता ब्लाइंड है। मेरा तो ससुर एक नंबर ही सटोरिया है, पत्ते भी न देखता है, खेलता ब्लाइंड है। काकी ससुरा है 1.5 पसली का आइटम, दोनों साले फ्यूज बैटरियां कंबाइंड है। पत्नियां सालों की चुड़ैल लगती है दोनों, एक बंडल बाज पर दूसरी काइंड है। मौसी सासुओं का किस गया है दिमाग पूरा, फूफी सास और सासू जी हाफ माइंड है। अच्छे देवेंद्र, वाह वाह वाह। मेरे तो भाई साहब पता नहीं अजीब अजीब कांड होते मेरे साथ। दो मैं एक दिन निकल के जा रहा ट्रैफिक सिग्नल पे, एक बढ़िया शानदार चटपटी सी छोरी दीजिए मेरे को। चटपटी? हाँ। अपन फ्लैट हो गए भाई साहब। हाँ नहीं तो उससे मिली नजर शहर में नाम हो गया। उससे मिली नजर शहर में नाम हो गया। उससे मिली नजर शहर में नाम हो गया, सेकंडों के उस प्यार में बदनाम हो गया। वो रेस बढ़ा करके 9 to 11 हो गई। उठा पुलिस ने बोली ट्रैफिक जाम हो गया। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपको प्रणाम करता हूँ मैं तो। आपको देख करके मेरे को 4 पंक्तियां और याद आ रही है। हाँ सुना दे। कब बनिए का बेटा बैठा पानी के जहाज में, डूबने वाला जहाज मुसाफिर चिल्लाए, हाहाकार मच गया कोई भागे यहाँ वहाँ, बनिए का बेटा बस मंद मंद मुस्काए। मैंने कहा भाई ऐसा संकट पड़ा है आन, तू क्यों हंसता है दादा तूने मेरी सटकाई। और बनिए का बेटा बोला मेरे पैसे बच गए, अच्छा हुआ वापसी टिकट नहीं कटवाई। क्या बात है देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो देवेंद्र वैष्णव कविताएं पढ़ रहे थे, अब पूरा झूम के पढ़ रहे थे। अच्छी बात है देवेंद्र, ऐसा ही पढ़ना चाहिए। जो भी काम करो पूरा आनंद के साथ करो, मस्ती के साथ करो, जीवन में यही होना चाहिए। और तुम बात कर रहे थे कंजूस की, जिसने वापसी की टिकट नहीं कटवाई, ऐसा ही कंजूस मृत्यु शैये पे था, मर रहा था, बस मरते मरते बोला जा रहा बड़ा वाला महेश का, मैं यही हूँ पिताजी, मैं यही हूँ, मैं भी यही हूँ आपके बाबू के पास, इधर ही राजेंद्र मैं पीछे खड़ा हूं। अरे सालो सब आओ तो दुकान पे कौन है? प्रैक्टिकल अप्रोच जीवन में होनी चाहिए।
और ऐसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच के कवि को बुलाता हूँ जिसके पिता एक जमाने में देश के बहुत बड़े संचालक रहे और कई वर्षों तक रमेश गुप्ता चातक का नाम इस देश के हिंदी कवि सम्मेलनों में संचालनों में बहुत इज्जत के साथ लिया जाता रहा और उन्हीं के सुपुत्र हैं जिन्हें कविता जो है खून में मिली है सौरभ चातक जोरदार तालियों के साथ। आप सभी को प्रणाम, शैलेश भाई साहब को भी प्रणाम। चार पंक्ति से अपनी बात शुरू करता हूं कि मेरे मित्र ने कहा अपने अरमानों को अमर कर ले, मेरे मित्र ने कहा अपने अरमानों को अमर कर ले और भाई मेरे जल्दी से जल्दी शादी कर ले। मैंने कहा भाई शादी करी तो झगड़ा होगा और झगड़ा भी बहुत तगड़ा होगा। तभी मेरा मित्र बोला भगवान तुझे ऐसे झगड़ों से बचाए, इसलिए तुझे दे रहा हूँ एक फ्री फोकट की राय, तू शादी एक नहीं बल्कि दो दो कर ले, तमाम खुशियों को अपनी बाहों में भर ले, उसके बाद ना कोई झंझट न झगड़ा न रगड़ा होगा, तेरी पत्नियां तुझसे नहीं झगड़ेगी बल्कि तेरे लिए झगड़ा होगा। क्या तरीका निकाला है, वाह बहुत अच्छे। और इसका एक किसी दूसरे राय ने भी आदमी ने दूसरे तरीके से राय दी। अच्छा, एक ने हाँ कि भाई दो शादी कर लो, क्यों क्यों कर लो दो शादी? बोले देखो बेटा कभी पानी की भरी हुई एक बाल्टी उठाओ और एक खाली किसी भी हाथ में उठाओ उस तरफ झुके रहोगे, दो हाथों में बाल्टियां रखो बैलेंस बना रहता है। पैसा मेरा तो झुका हुआ ही है। हाँ अब आपका तो पता नहीं, हमारे तो सोचो ही मत, देखो जो हम कहेंगे उसकी बात सुनो सुनो कि हम यूं ही नहीं हैं जादू मंत्र वाले हैं। हाँ। हम यूं ही नहीं हैं जादू मंत्र वाले हैं, हम यूं ही नहीं है जादू मंत्र वाले हैं, हम हीरे हैं नहीं कंकर पत्थर वाले हैं। अरे बाल्टियां लेके लोग घूमते होंगे, हम तो समंदर वाले हैं। साहब दो पत्नियों की बात चली, मुझे एक कविता और याद आती है, एक पिक्चर बनी थी बड़ी शानदार पिक्चर बनी, फिल्म का शीर्षक था देवदास। एक अम्बक्ष कौन पीता है, हम तो इसलिए पीते हैं कि जिंदा रह सके। एक दिन हमने फिल्म देवदास देखी, एक दिन हमने फिल्म देवदास देखी, पारो और चंद्रमुखी दोनों पर ही आंख से की, फिल्म देखने के बाद हमको बहुत रंज हुआ कि हमने पहले दारू को क्यों नहीं छुआ। टेक्निकल फिल्म देखने के बाद हमको बहुत रंज हुआ कि हमने पहले दारू को क्यों नहीं छुआ, यदि हम भी दारू पीते तो बहुत मजे में जीते, यदि हम भी दारू पीते तो बहुत मजे में जीते, पारो और चंद्रमुखी दोनों ही हमारे पास होती और जब दो होती तो तीसरे की भी थोड़ी बहुत आस होती। सही बात, और जब दो होती तो तीसरे की भी थोड़ी बहुत आस होती, लेकिन अपन देवदास बन नहीं पाए, बस यही हो गई खता, क्योंकि अपने को गुड़ और शक्करपन के मीठे केपन के अंतर के बारे में क्या पता, क्योंकि अपने पास संजय लीला भंसाली जैसी न तो संजय दृष्टि न देवदास वाली लीला न भली भली सी साली है, अपनी तो केवल और केवल अपनी घरवाली है। अपनी तो केवल और केवल अपनी घरवाली है, इसलिए पत्नी को छेड़ते हुए एक दिन हमने उससे कहा पारो, तभी पत्नी ने कहा इश, देवदास की नकल मत उतारो इश, तभी पत्नी ने कहा इश देवदास की नकल मत उतारो, जब से आपने फिल्म देवदास देखी है तब से आप बहुत नशे में रहने लगे हो, बाहर कोई चंद्रमुखी ढूंढ ली है तभी आप उसको पारो कहने लगे हो, परंतु एक बात जान लो और मेरा कहा मान लो, देवदास बनना इतना आसान नहीं है, भीतर और बाहर का सामंजस्य बिठाने का आपको ज्ञान नहीं है, अरे देवदास बनने के रुख के लिए माधुरी और ऐश्वर्य की जरूरत पड़ती है, और आप दो दो को क्या खाक संभालोगे जब एक संभालने में आपकी सांस उखड़ती है। तभी हमने अपनी पत्नी को मनाते हुए कहा कि मेरी इन बातों से तो क्यों होती है दुखी, अरे तू ही मेरी पारो है, तू ही मेरी चंद्रमुखी, अरे मैं तेरा इकलौता पति एकदम खासम खास हूं, तू मुझे देवदास समझे तो देवदास और चरणदास समझे तो चरणदास। तू मुझे देवदास समझे तो देवदास और चरणदास समझे तो चरणदास हूँ। जब ये कविता पढ़ रहे थे तो मैंने देखा एक महिला के चेहरे पे जो है बड़े भाव आ रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। ये महिला नहीं, वहां एक महिला बैठी हुई, जरा माइक दीजिए जरा।
नमस्ते जी। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? कल्पना गुप्ता। कल्पना गुप्ता, कहाँ से आई हैं आप? उज्जैन से। उज्जैन से? हाँ जी। क्या यही आपके चरणदास हैं? हाँ जी। क्या कहना है आपको अपने चरणदास के बारे में? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे, शादी को कितने साल हो गए? 20 साल। हाँ, 20 साल बाद ये हालत हो जाती, कुछ नहीं कहना। हमें कुछ कहना ही नहीं है। ये तो आप तो चलो सर, बाकी किसी को ज्यादा कुरेद दो ना तो क्यों कुछ नहीं कहना, पर देखो आप उनको, नहीं नहीं कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं नहीं कहना, नहीं ना हमें कह के फायदा क्या, हमें कुछ कहना ही नहीं है। 20 साल से सुनी तो रहे, क्या कहे? नहीं, हमें कुछ नहीं कहना। बहुत बढ़िया, आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। भाई मजा दे दिया सौरभ गुप्ता चातक ने और देवेंद्र वैष्णव ने, और अब बारी है उस प्रतिभा को प्रस्तुत करने की जो पहली बार आ रही है टेलीविजन पे इस तरह से, और जब आएंगी तो छा जाएंगी। वो बहुत खूब कहती हैं, खूब अच्छा लिखती हैं और अपने अंदाज में कहती हैं। हम बुलाते हैं मोहब्बत के मुक्तकों के लिए गोरखपुर से आई चारुशीला सिंह को जोड़ना चाहिए के साथ। शेमारू टीवी के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम निवेदित करती हूं। आदरणीय शैलेश जी को प्रणाम और धन्यवाद गोरखपुर के स्वर को यहां से प्रस्तुत करने के लिए। वैसे तो टीवी पर बहुत आई हूं, लेकिन आज का दिन कितना सुखद है। बस ये कह सकती हूं कि जिन्होंने भी सुना कि शैलेश जी ने बुलाया है, उन्होंने क्या कहा होगा सोचिए, वाह भाई वाह। तो आइए कुछ रंग रखती हूँ, क्या लेकर आई हूँ जी, कैसे आपसे जुड़ी हूँ कहती हूँ। कोई खत और टेलीफोन से बातें नहीं जिनकी, कोई खत और टेलीफोन से बातें नहीं जिनकी, मोहब्बत वो भी जिंदा है मुलाकातें नहीं जिनकी। क्या बात है? कोई खत और टेलीफोन से बातें नहीं जिनकी, मोहब्बत वो भी जिंदा है मुलाकात। सिलसिले से कुछ रंग और रखती हूँ। न मिलते हो न खोते हो सदा मुझ में ही होते हो, न मिलते हो न खोते हो सदा मुझ में ही होते हो, संजोते हो भिगोते हो न जगते हो न सोते हो, संजोते हो भिगोते हो न जगते हो न सोते हो, तुमसे ही मिले लेकिन
मोहब्बत की पराकाष्ठा है, इंतहा है मोहब्बत। इससे बेहतर क्या होगी कि न मिलते हो न खोते हो, पर सदा मुझमें ही होते हो। ये मोहब्बत है, और मोहब्बत जिंदगी में हो तो ऐसी ही होनी चाहिए, जिस मोहब्बत में जरूरी नहीं कि कोई मिले, जरूरी है कि वो साथ रहे, भीतर रहे, और जो भीतर रहता है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए अगर ऐसी मोहब्बत होगी जो आपके भीतर है तो उसे कोई आपसे छीन नहीं पाएगा, हंसी भी आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। देखते हैं, कहानी थोड़ी इल्मी है। कवियों के चेहरे पे साफ लिखा हुआ है कि इस दृश्य को देख के उन्हें कुछ याद नहीं आया, लेकिन मुझे कुछ याद आ गया। एक मकबूल शायर है, उनका एक शेर याद आ गया इस दृश्य को देखने के बाद। वो कहते हैं कि आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, और इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, और ऐरे गहरे लोग पढ़ने लगे हैं आजकल, आपको औरत नहीं अखबार होना चाहिए। वाह भाई,